ही तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। और ये है चूड़दार का फॉरेस्ट हिल एरिया, और आपको मैं थोड़ा रास्ता बताता हूँ। अभी पूरी तरह बर्फ़ की चादर से लिपटा हुआ है ये चूड़दार, और सुबह फ्रेश फॉल हुई थी जिसकी वजह से हमें रास्ता बनाना पड़ा था। यहाँ से हम आए थे, बहुत ही हवा चल रही है। थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि टायर्ड हो चुके हैं। मॉर्निंग वॉक कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक थी आज की। सामने मंदिर है जहाँ हमने पहुँचना है अभी। हम जा रहे हैं उस मंदिर के पास, शिव भोले। बहुत ही टफ रास्ता है यहाँ से। ओहो, वेरी स्लिपरी। आजाद परिंदे ऊंचाइयों में उड़ते हुए। और ये देखिए बर्फ पिघलती हुई यहाँ पर धूप के कारण। We are about to finish our track. Hello. Hello, Sheru. Hello. Yeah. What's on that? Oh. Look here. वहां पर हमारे बंदे स्ट्रगल करते हुए। बहुत ही टफ है ट्रैक, अबाउट 18 किलोमीटर। आजा आजा, लोकल गाइड यहाँ का। वो रखा था यहाँ कृष्ण भगवान ने, उसे कटे हुए सिर से महाभारत देखा ही जैसे यहाँ से। हाँ इधर आगे ओ सामने इधर कौन है ना, ये तो उसका जो है ना जो सिर था ना वो उसका जो है उसने जन्म ले लिया इंसान में, जैसे हम उसका बन गया शिरगुल। शिरगुल ऐसा शक्ति मानता कि पानी पूरी खुद पैदा कर लेना, कोई शिव जी का ही रूप। तो नीचे कुदरत की शिवलिंग है, फिर यहाँ ये कहते थे कि भाई यहाँ पताल दिखता था पहले यहाँ से, यहाँ से उसको देख नहीं सकते थे। सिक्का सुक्का भी डालते थे ना यहाँ, अब तो बंद कर रखा ना, 10 मिनट आज रहती थी। ये कहानी है। अच्छा यहाँ पर